नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर मैं हूं अशोक वान खड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं हुई पीछे तीन बार से विधानसभा महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के साथ ही होते थे लेकिन लाल किले के, के प्राचीर पे भले ही प्रधानमंत्री जी ने यह कहा हो कि वन नेशन वन इलेक्शन क्योंकि इसमें खर्चा जाता होता है बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनवाई लेकिन स्थिति यह है कि यह सब बोलने की बातें हैं आदर्शवाद सिर्फ शब्दों में होता है या कहीं से संबोधित करते हुए होता है जब क्रियान्वयन करना होता है तो सब नग्न सत्य सामने आता है सब अपने सुविधा के हिसाब से काम करते हैं फिर वो राष्ट्र का खर्चा समय की बर्बादी सब खत्म हो जाता है चार राज्यों के चुनाव महाराष्ट्र हरियाणा झारखंड और जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के होने ही थे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था झारखंड हरियाणा महाराष्ट्र ये ड्यू थे आगे पीछे दस पंद्रह एक महीना लगा चारों राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे लेकिन शायद भाजपा चारों चुनाव करवाने में थोड़ी डर गई इसलिए हरियाणा जहां उन्हें लगा कि वो अच्छी तरह से चुनाव जीत सकते हैं या चांसेस है फिफ्टी फिफ्टी पाँच लोकसभा उनको मिली पाँच कांग्रेस को मिली और जम्मू कश्मीर तो अनिवार्य था इसलिए इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव अनाउंस हो गए लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड नवंबर के पहले उनको भी होना है झारखंड में ऑपरेशन कमल चल ही रहा है लेकिन महाराष्ट्र में इस बार ऑपरेशन तुतारी चल रहा है महाराष्ट्र में जब शरद पवार जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े क्षेत्र माने जाते हैं उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में तोड़ दी गई उनके भतीजे अजित पवार जो पार्टी में नंबर टू पे थे वो पार्टी के ढेर सारे विधायक कुछ सांसद लेके अलग हो गए और सीधा बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए ऐसे में फिर राजू कुमार का ऑफिस तो उन्हीं को साथ देगा शरद पवार के हाथ से पार्टी का नाम भी गया और चुनाव चिन्ह जो घड़ी था वो भी चला गया अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए शरद पवार अस्सी पार उम्र के उस पड़ाव पे और एक व्याधि से ग्रस्त है लेकिन उन्होंने इसके पहले भी टूटी हुई पार्टी को फिर से खड़ा किया और इस बार इस उम्र के पड़ाव पे भी वो पूरी ताकत से रस्ते पर उतर गए और लोकसभा चुनाव में जहां अजित पवार को मात्र एक लोकसभा चुनाव की सीट नसीब हुई वो भी सुनील तटकरे की कोकण की जो उसके अपने बलबूते पे थी अजित पवार की ताकत और उनकी दयनीय स्थिति उनके खुद के बारामती लोकसभा क्षेत्र में हुई जहां उन्होंने अपनी बहन सुप्रिया सुरे के खिलाफ अपनी पत्नी सुनीत राजी पवार को उतारा सुनीत राजी जी पवार बुरी तरह से हारी और आश्चर्य की बात यह है कि बारामती लोकसभा में बारामती विधानसभा भी क्षेत्र आता है जहां से अजीत पवार विधायक है वहां पे भी बुरी हार सुनीत राजी को मिली अजित पवार का खुद का चुनाव विधानसभा का प्रश्न चिन्ह लगा के बैठा है पवार कुंबे से दूसरे लोग खासकर अजित पवार के सगे छोटे भाई के बेटे यानी उनके भतीजे युगेंद्र पवार स्वयं बारामती से ताल ठोकने के लिए तैयार है विधानसभा में ऐसे में अजीत पवार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम चुनाव बारामती से लड़े या किसी और जगह से या लड़े ही नहीं या बेटे को लड़ाए इसके पहले वो पार्थ को लोकसभा का चुनाव बड़े बेटे को लड़ा चुके हैं माड़ा से बुरी तरह से वो पराजित हुआ पत्नी भी पराजित हुई अब छोटा बेटा है बंद मुट्ठी क्या उसे खोल दें लाख की हो गया या खाक की इस पेशो पेश में अजीत जी हैं लेकिन दूसरी तरफ जो अजीत पवार के साथ कुंबा चला गया उसका रिप्लेसमेंट चुपचाप तरीके से शरद पवार ढूंढ रहे हैं और शरद पवार का गढ़ खासकर पश्चिम महाराष्ट्र है जो पुणे सातारा सांगली कोल्हापुर सोलापुर एक क्षेत्र आते हैं प्रमिनेंटली यहां पर उनकी पकड़ भी है उनका दबदबा भी है और यहीं से बहुत सारे विधायक जो गए अब उनके जगह पे की पोजीशन पे नए जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की एक साइलेंट मुहिम उन्होंने शुरू की और वो जो मुहिम उन्होंने शुरू की उसमें क्या दिखाई देता है उसमें दिखाई देता है कि जो खासकर जिले हैं उनके कोल्हापुर सातारा सोलापुर और पुणे इन चार जिलों में उन्होंने ऑपरेशन किए पहला कोल्हापुर में कागल कॉन्स्टिटेंसी है कागल से हसन मुशरीफ जो वर्तमान में मंत्री है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वो शरद पवार के सबसे लाडले नेता कोल्हापुर में होते थे हसन मुशरीफ के चलते शरद पवार जी ने कई लोगों को कोल्हापुर में नाराज़ किया लेकिन हसन मुशरीफ पे ईडी की रेड़ पड़ी हसन मुशरीफ भाग रहे थे उसी बीच अजीत पवार जब छोड़ के चले गए तो हसन मुशरीफ भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके नहाए जो आदमी जेल में जाना था वो आदमी अब मंत्री बना है अब वो अजित दादा को छोड़ नहीं सकते क्योंकि छोड़ेंगे तो जेल जाएंगे अजित पवार यदि उनसे कागल से लड़ते हैं तो कागल से ही एक दूसरा नाम जो पूरा ताकत से उभरा था वो था समरजीत सिंह घाटके और ये जो घाटके हैं ये शाहू महाराज से संबंधित भी हैं उसके रिश्तेदार हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है युवा है युवाओं के बीच में गहरी पकड़ है उनकी पकड़ सहकारिता क्षेत्र में भी है माड़ा पुणे के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं और वो एक समय देवेंद्र फडणवीस के पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे प्यारे नज़दीकी नेता माने जाते थे लेकिन वो कागल से चुनाव लड़ रहे लड़ना चाहते हैं और वो जानते हैं कि कागल से हसन मुश्रिफ ही लड़ेंगे ऐसे में उन्हें शरद पवार के जाने के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था और उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने का ऐलान कर दिया शरद पवार की ये कोल्हापुर जिले में सबसे बड़ी विक्ट्री होगी ऐसा कहे तो आश्चर्य नहीं होगा कोल्हापुर जो सांसद है वो शाहू महाराज है क्योंकि वो सीट इस बार कांग्रेस को इसलिए मिली क्योंकि शाहू महाराज स्वयं कांग्रेस के ही निशानी पे चुनाव लड़ना चाहते थे इसलिए वो कांग्रेस को चली गए दूसरी बात दूसरा क्षेत्र है सातारा सातारा कोल्हापुर के बाद कराड़ आता है कराड़ के बाद सातारा आता है सातारा और कोल्हापुर ये एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सांगली है सांगली में स्वयं जयंत पाटिल है जो एनसीपी के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं अब जो सातारा जिला है वहाँ पे छत्रपति प्रतापराव छपति अभय राजे भोसले ये अभी सांसद है बीजेपी से लेकिन यह गढ़ है एनसीपी कार का शरद पवार का यहाँ से पिछली बार भी उन्हीं का सांसद था लेकिन इस बार जो निशानी थी चुनाव चिन्ह वो थी तुतारी और एक इंडिपेंडेंट को पिपाणी करके, करके एक चुनाव चिन्ह मिला जो तुतारी से सिमिलर था इसके चक्कर में जो इंडिपेंडेंट जिसके अवकात सौ डेढ़ सौ सीटों की वोटों वो 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 की नहीं थी वो अड़तीस हजार वोट पा लिया और महाराज मात्र बत्तीस हजार वोट से जीत गए वो अड़तीस हजार इधर जाते तो महाराज बुरी तरह से हार जाते अब उस जिले में वाई करके एक कॉन्स्टिट्युंसी है वाई में मकरंद पाटिल जो थे वो दादा के साथ चले गए अब वहां प्रताप प्रतापराव भोसले एक बड़ा नाम है और प्रतापराव भोसले शरद पवार के घोर विरोधी माने जाते थे लेकिन फिर कृष्णा में बहुत पानी बह गया सातारा जिले के अब शरद पवार प्रताप राव के बेटे मदन भोसले को अपने पार्टी में अपने साथ लाना चाहते हैं ताकि वो वाई से उम्मीदवार बने जैन पाटिल जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके वो लगातार मदन भोसले के संपर्क में हैं 2004 में मदन भोसले भी चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत भी गए थे विधायक भी बने थे उसके बाद 2019 में वो बीजेपी के साथ चले गए लेकिन उनकी जो वहां पे शुगर मिल थी कोऑपरेटिव शुगर मिल उसे जो सहायता बीजेपी ने बोली थी वो नहीं की तो जो वादा खिलाफी करने वाले लोगों के साथ क्या रहना करके मदन भोसले अब यदि शरद पवार के तुतारी पे वाई से चुनाव लड़े तो आश्चर्य नहीं होगा ये एक बड़ी विक्ट्री होगी शरद पवार के लिए उसके बाद आते हैं महाड़ा महाड़ा में बबन शिंदे एक विधायक थे छह बार के विधायक है लगातार वो अजित के साथ चले गए अब उनको एक बात समझ में आई कि जो अजित पवार अपने बारामती में अपने पत्नी को नहीं जितवा सकते उनके नाम से कोई फायदा होने से रहा छह बार लगातार चुनाव जीतने वाले बबी शिंदे अभी चुनाव लड़ना चाहते और जीतना चाहते इसलिए उनके पास एक ही चारा है वह है शरद पवार तो वो शरद पवार के साथ लगातार अपने बेटे रणजीत सिंह के साथ मिले उनका भतरा जो भतीजा है धनराज वो भी शरद पवार जी के टच में है और ये यदि शरद पवार के पार्टी से चुनाव लड़े माड़ा में तो कोई आश्चर्य नहीं होगा एक ये बड़ा कैच शरद पवार के पास है और ये लॉस होगा अजित पवार का फिर हर्षवर्धन पाटिल है हर्षवर्धन पाटिल जो है इंदापुर से चुनाव लड़ते थे पंचानबे से लेकर दो हज़ार नौ तक चार बार इंडिपेंडेंट के तौर पे वो विधायक रहे हैं दो हज़ार चौदह में फिर वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और मंत्री बने सहकारिता में उसके बाद उनको काउंटर करने के लिए अजीत पवार ने दत्ता भरने को सामने किया और हर्षवर्धन को कड़ी मात दे दी दत्ता भरने कहीं ना कहीं अजीत पवार की कई चीज़ों से दुखी है लोकसभा चुनाव में भी उस साथ में काम करना नहीं चाहते थे लेकिन देवेंद्र फडनवीस ने बीच में बातचीत कर उन्हें मना लिया लेकिन शरद पवार दत्ता भरने पे हाथ रखने के बजाय हर्षवर्धन पाटिल को अपने साथ लेना चाहते हैं सुप्रिया सूड़े से जो शरद पवार जी की बेटी हैं सांसद है बारामती से उसकी हर्षवर्धन पाटिल से बात हुई और कल हर्षवर्धन पाटिल यदि शरद पवार के साथ चुनाव लड़े तो आश्चर्य नहीं होगा और इंदापुर सीट फिर उनके पास वापस आ सकती है एक शिरूर लोकसभा है जिसका पूना से भी कुछ क्षेत्र उसमें लगता है पूना जिले की ही है वहाँ एक जुन्नर कॉन्स्टिटेंसी है वहाँ अतुल बेनगे जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और बड़ा नाम है अतुल के पिता वल्लभ बेनके ये शरद पवार के बहुत अच्छे मित्र माने जाते थे लेकिन अतुल बेनके जुन्नर में अपने आप को नेता नहीं बना पाए क्योंकि शिरूर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की जिसके अंदर जिंदर आता है वहाँ अमोल कोल्हे उन्हें पसंद नहीं करते थे लेकिन पार्टी के दो फाड़ होने के बाद जो परिवर्तन आया उसमें अमोल कोल्हे के शिरूर के चुनाव में अतुल बेंके ने खूब मेहनत कर बता दिया कि वो वाकई कोल्हे के साथ है हाल ही में ओतूर नाम के गांव में एक शरद पवार जी का प्रोग्राम था उसमें अमोल कोल्हे भी थे और वहाँ पे जिस ताकत के साथ जो पोस्टरबाजी करवाई अतुल बेंगे ने शरद पवार के स्वागत में और जब अपने भाषण में अमोल कोल्हे और शरद पवार के कसीदे पढ़े उससे एक बात तय हो गई कि अब सब कुछ अतुल के लिए क्लियर कट है शरद पवार के पुराने मित्रता अपने पिता वल्लभ बेंके के साथ उनके यकदन काम आएगी इन सीटों पे ही शरद पवार अभी तक लगातार फोकस कर रहे हैं मैं अभी हाल ही में यवतमाल से वापस आया यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से अब पश्चिम महाराष्ट्र से मैं ठीक आपको विदर्भ ले के आ रहा हूँ विदर्भ का आखिरी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टवतम और इन दोनों दो में करीब करीब हज़ार एक किलोमीटर का डिफरेंस है यवतमाड़ जिला इसलिए भी जाना जाता है कि नाइक परिवार उस पुसद से आता है जो यवतमाड़ ज़िले में था और पुसत जो है वह नाइक परिवार का कब्जा था लेकिन नाइक परिवार के लोग जो शरद पवार के सीते हाशिए पे चले गए कुछ अजित पवार के साथ चले गए कुछ बीजेपी के साथ चले गए ऐसे में वापस उस पुसत पे अपनी पकड़ रखने के लिए शरद पवार ने एक नाम सोचा जिसकी चर्चा है अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हो पाया वो है स्वर्गीय वसंतराव नाइक जो तीन बार मुख्यमंत्री बने बंजारा कम्युनिटी के और नाइक घराने की नींव जिन्होंने रखी यदि ऐसा कहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगा वो वसंतराव नाइक के छोटे बेटे को वो उतारना चाहते हैं यदि वो उतर गए तो वसंतराव नाइक का नाम ही इतना काफ़ी है कि बाकियों के डिपॉजिट जब्त हो सकते हैं क्योंकि आज भी पूरे नासिक क्षेत्र में नहीं ज़िले में वसंतराव नाइक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं ये तमाम बातें इस तरह इंडिकेट करती हैं कि बाकी लोग तो सीट शेयरिंग में लगे हैं और शरद पवार उम्मीदवार चयन में लगे हैं ये जो तुतारी है वैसे तो तुतारी ये बहुत आवाज़ करती है तेज आवाज़ करने वाला एक यंत्र है जिसमें हवा फूंक के और खासकर युद्ध के दौरान ललकारने के लिए तुतारी बजती थी या किसी का स्वागत करने के लिए तुतारी बजती थी वो तुतारी शरद पवार इतने साइलेंटली ऑपरेट कर रहे हैं कि विरोधकों को पता भी नहीं है कि उनके पैरों के नीचे से उनके ही उम्मीदवार अजीत पवार के खास या शरद बीजेपी के खास लोग शरद पवार के पाले में जा रहे हैं क्योंकि सबको अपना भविष्य महाविकास आघाड़ी के साथ दिखता है जो ट्रेन लोकसभा चुनाव में सेट किया वही विधानसभा में होगा तो आश्चर्य नहीं कुल मिलाकर शरद पवार का साइलेंट ऑपरेशन तुतारी सीधा हिट कर रहा है सिर्फ अजित पवार को नहीं बीजेपी को भी आज डायरेक्ट हिट में इतना ही कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर